दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गदर 2, ओ माय गॉड 2 और जेलर के 7 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ में जानेंगे तीनों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। दोस्तों साथ ही साथ देखेंगे कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने इंडिया में पहले दिन 40 करोड़ 1 लाख का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 43 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया, तीसरे दिन 51 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया, चौथे दिन 38 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया, पांचवे दिन 55 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया, अपने छठे दिन 32 करोड़ 37 लाख का कलेक्शन किया और दोस्तों इस फिल्म ने अपने सातवें दिन 23 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन किया। दोस्तों इसी के साथ अपने पहले वीकेंड में इस फिल्म ने 284 करोड़ 63 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया और 369 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। दोस्तों इस फिल्म का बजट 100 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 10 करोड़ 26 लाख की कमाई करी, दूसरे दिन 15 करोड़ 3 लाख की कमाई करी, तीसरे दिन 17 करोड़ 55 लाख की कमाई करी, चौथे दिन 12 करोड़ 6 लाख की कमाई करी, पांचवें दिन 17 करोड़ 1 लाख की कमाई करी, छठे दिन 7 करोड़ 2 लाख की कमाई करी और अपने सातवें दिन इस फिल्म ने 5 करोड़ 58 लाख की कमाई करी। दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 85 करोड़ 5 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया और 120 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। दोस्तों इस फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 करोड़ था। दोस्तों अब बात करते हैं सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 46 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया, दूसरे दिन 30 करोड़ का कलेक्शन किया, तीसरे दिन 38 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया, चौथे दिन 45 करोड़ का कलेक्शन किया, पांचवे दिन 27 करोड़ 32 लाख का कलेक्शन किया, छठे दिन 36 करोड़ 85 लाख का कलेक्शन किया और दोस्तों इस फिल्म ने अपने सातवें दिन 16 करोड़ का कलेक्शन किया। दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 240 करोड़ 67 लाख का इंडियन नेट कलेक्शन किया और 443 करोड़ 70 लाख का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। दोस्तों इस फिल्म का बजट अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है और बहुत जल्द ये ब्लॉकबस्टर भी हो जाएगी।